अनुराग, अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। पता चला है कि 3 लोग कॉफी पीते पीते गायब हो गए। विनीता जो मुंबई से इथोपियन कॉफी पी रही थी, वो इथोपियन कॉफी पीते पीते इथोपिया चली गई। अमन जो दिल्ली में ब्राजीलियन कॉफी ब्रू कर रहे थे, वो ब्राजील चले गए। और राधिका जो कर्नाटका की कॉफी पी रही थी, वो कर्नाटका चली गई। तो हमारे साथ जुड़े हैं ऋषभ और बताएंगे इस बारे में थोड़ा और। नंदिनी, ये तो होना ही था, वो टॉफी कॉफी रोस्टर्स की कॉफी जो पी रहे थे। ये कॉफी इतनी ऑथेंटिक है कि पीते ही आपको ऐसा लगेगा कि जहां की ये कॉफी है आप वहीं पहुंच गए हो। साइनिंग इन ऑन शार्क टैंक इंडिया, मेरा नाम है ऋषभ। मेरा नाम है नंदिनी और हम आए हैं बैंगलोर से। हम है फाउंडर्स टॉफी कॉफी रोस्टर्स के। टॉफी कॉफी रोस्टर्स एक स्पेशलिटी कॉफी ब्रांड है, जहां पर आप ग्राउंडेड कॉफी, हॉट ब्रू कॉफी, कोल्ड ब्रू कॉफी, फिल्टर कॉफी और स्पेशलिटी इंस्टेंट कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी कॉफीज दुनिया के अलग अलग कॉफी रीजन से सोर्स की गई हैं। एक फन फैक्ट ये है कि इंडिया कॉफी प्रोड्यूसर्स में वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है, लेकिन इंडिया से कोई भी कॉफी ब्रांड नहीं है जो ग्लोबली टॉप 10 में आता है। तो हमारा विजन है टॉफी कॉफी रोस्टर्स को टॉप स्पेशलिटी ब्रांड बनाना, जिसके लिए हमारी आस्क है 60 लाख फॉर 2% ऑफ इकोनॉमी। देखिए, मैंने आज तक जिंदगी में कभी कॉफी नहीं पी है, सो इट विल बी माय फर्स्ट टाइम। ओह माय गॉड, थोड़ा आराम से पीना। हां, कौन सा रेकमेंड करोगे आप? सो ये हमारा सिग्नेचर फ्लेवर है, विस्की बैरल एज्ड कॉफी। इंडिया में सिर्फ हम करते हैं, बाकी ये मैसूर नगर से, इट्स अ डार्क रोस्ट। देखिए, मैं अल्कोहल भी नहीं पी रही हूं। कॉफी नहीं पी है और मैं दिन में 5 कप कॉफी पीती हूं। थैंक यू। मैं आपको थोड़ा हेल्प करती हूं। आप जस्ट इसको टियर करके इसे सैशे निकाल सकते हैं। Smells good. अब इसको हम ऐसे टियर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे एंकर कर सकते हैं। अब इसको कप और अब इसको ऐसे पोर कर सकते हैं। ऋषभ आपको हेल्प करेगा पोर करने के लिए। कितना टाइम इसको ब्रू करना है? 1-2 मिनट? 2-3 मिनट्स मैक्स। कॉफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू। कॉफी अच्छी है। Listening from you, the master sir. Because, yeah, thank you. और आपने मुझे पहली बार कॉफी पिला दी। Well done. थोड़ी चॉकलेटी सी। हाँ, Mysore. तो Mysore nuggets dark roast है और चॉकलेटी और नटी टेस्ट करती है। ये जो कॉफी मार्केट, ये कितना बड़ा है? तो इंडिया का कॉफी मार्केट क्लोज टू 14,000 से 15,000 करोड़ का है, जो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक आउट ऑफ होम कॉफी मार्केट और एट होम कॉफी मार्केट। ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू 50-50% का है। आउट ऑफ होम कॉफी मार्केट में ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं, जैसे CCD, स्टारबक्स, फॉलोड बाय न्यू एज कॉफी ब्रांड्स। एट होम कॉफी में 70% मार्केट इज कैप्चर्ड बाय ट्रेडिशनल ब्रांड, दैट इज नेस्कैफे एंड ब्रू, और वो हमको लगता है कि ये डिसरप्ट हो सकता है। ब्रू एट होम वाले मार्केट में इंस्टेंट कॉफी कितना परसेंटेज है? ऑलमोस्ट 90-95%। आज की डेट में एट होम कॉफी मार्केट में 90% इज द इंस्टेंट कॉफी मार्केट। 90% इज इंस्टेंट। देन आपको इंस्टेंट कॉफी ब्रांड पे फोकस करना चाहिए, जैसे रेज कर रहा है, बिकॉज इंस्टेंट कॉफी में द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इज फ्लेवर्स, राइट? तो वो 50 टाइप्स के इंस्टेंट फ्लेवर्स निकाल रहे हैं। दिस इज आल्सो इंस्टेंट कॉफी। सो दिस इज नॉट इंस्टेंट, दिस इज ब्रू। तो हमारे पास एक रेंज है स्पेशलिटी इंस्टेंट कॉफी, जो इंडिया का सबसे पहला स्पेशलिटी इंस्टेंट कॉफी ब्रांड है, जहां पे हमने ओरिजिन को डिक्लेयर करते हुए बहुत हाई ग्रेडेड बीन्स, जैसे कि आई एग्री, बट सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके सारे एसकेयूज तो ये वाले हैं। एक इंस्टेंट कॉफी से आप वो मार्केट जो 90% इंस्टेंट कॉफी है, वो कैसे जीत सकते हो? पहले ये कि हमारा फोकस स्पेशलिटी कॉफी पे है, जो मेजरली ग्राउंडेड ही है, जिसमें स्पेसिफिकली हमको लगता है ये जो इजी ब्रू सैशेस है, वो काफी पिक कर रहे हैं, क्योंकि लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो आई थिंक अपग्रेड एग्जैक्टली हम अपग्रेड कराना चाहते हैं। और एट होम स्पेशलिटी कॉफी का मार्केट आज 1,000 करोड़ से कम होगा। मार्केट बहुत छोटी है, आप लोगों को ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके नंबर से पता लग जाएगा, बताना जरा। हमने स्टार्ट किया था 2019 में एज अ कैफे, उस साल हमारा रेवेन्यू था 25 लाख। नेक्स्ट ईयर हमने D2C में पिवट किया अपने बिजनेस को, उस साल हमारा रेवेन्यू था 45 लाख। थर्ड ईयर वी क्रॉस्ड 1.3 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बाय लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट कैटेगरीज। 2022 में हमने एक स्मॉल चेक रेज किया इंडियन एंजल नेटवर्क से, प्री सीड राउंड ऑफ 1 करोड़, एंड हमने अपना बेस बैंगलोर शिफ्ट किया, क्योंकि बैंगलोर मेजर कॉफीज होती हैं, और इसके थ्रू हम अपना सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर पाए। 1 करोड़ एट व्हाट वैल्यूएशन? 1 करोड़ एट 10 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो 10% करेक्ट। पर आप 2022 का रेवेन्यू नहीं बताया आपने, खाली इन्वेस्टमेंट 2.3 करोड़।
प्रॉफिटेबल अगेन या अब नेगेटिव हो गया ना पैसे तो नहीं, तो हम ब्रेक इवन करते हुए ग्रो करना चाहते हैं और वही हमारा है स्लाइटली माइनस 3 में ब्रेक इवन था या लॉस था तो 2.3 करोड़ पे माइनस 20 लाख नॉट बैड इस साल का कैसा रहा है 2.1 करोड़ टिल सितंबर क्लॉक कर चुके हैं और अभी हमको लगता है कि बाय प्रोजेक्शन वी विल बी एबल टू टच क्लोज टू 6 टू 6.5 करोड़ पिछले महीने कितना किया था अक्टूबर में हमने किया था क्लोज टू 33 लाख सीजनल होता है क्या आपका बिजनेस नहीं नहीं अभी हमारे जो पैसे आए थे वो जुलाई में आए थे तो अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यूज देखोगे वो ग्रो हो रहे हैं तो जुलाई से हमने किया तो डिप्लॉय किया है कैपिटल करेक्ट डिप्लॉय किया तो अभी हमारा जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो 1.1 करोड़ पे है एंड दिस ईयर अभी तक लॉस कितना हो गया इस साल वी आर क्लोज टू माइनस 10 लाख ऑन अ 2 करोड़ सेल On a 2 crore sale, yes. And overall, साल will be profitable? Overall, हम 60 lakhs पे हम profitable हो जाएंगे. 60 to 70. 6 crore sale. Yeah. और अगर 4 crore रह गई sale या 5 crore, because H1 खत्म हो गया है, H2 में भी हम... तो हम break even पे close करेंगे. तो आपका main sales कहाँ होती है? 60% sale हमारी खुद की website पे होती है, 40% marketplaces पे होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा Amazon पे होती है, followed by quick commerce platform, जैसे कि Zepto, Blinkit, Instamart and Big Basket. आपकी pricing कैसी है? Starting from 450 rupees for a 250 gram. So this is for 550 rupees for 12 sachets. और आपका जैसे 250 gram का beans का packet है वो कितने का है? 550 rupees for 250 grams and goes up to 1400 to 1500 rupees for 250 gram. तो आपका मैं बस एक वो बोलना चाहती हूँ कि महंगा है. ये वाला मतलब पड़ता है around 45 to 50 per sachet. मैं जो खरीदती हूँ ब्लू टोकाई या थर्ड वेव की तो वो मुझे जनरली 25 से 30 में पड़ती है डिस्काउंट और मैं खरीदता हूँ नेस्कैफे 2 रुपए का सैशा दूसरा जो ब्रू का 100 ग्राम का जार आता है वो उतना प्राइस का पड़ता है जितना आपका 50 ग्राम का है बट एक बात बताइए इन सच अ कंपेटिटिव मार्केट जहाँ पे लोगों ने अच्छी फंडिंग भी रेज कर ली है और आपके पास तो अभी कुल मिला के 1 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है व्हाई विल यू विन हम स्पेशलिटी कॉफी स्पेस में हैं ये तो सब बाकी भी कर लेते हैं यार जो आप कर रहे हो मैं कर लूंगा आप क्यों जीतेंगे पहला तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है दैट वी हैव गॉट व्हिच आई डोंट थिंक इज अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन डू एवरीथिंग आप कल को जाके उनको सू नहीं कर सकते कि आपने मेरा कॉपी कर लिया ये दिस यू कैन नॉट डू एक यूनिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो एटलीस्ट हमने स्टार्ट किया है और हम भी बिल्ड कर सकते हैं ऐसा आपके पास क्या है कि आप ही बिल्ड कर सकते हैं टीम है आपके पास कोई और आप दोनों के अलावा वी हैव टीम बट नॉट कोर टीम मेन टीम हम दोनों ही कितना रेवेन्यू आप कर लेंगे 3 साल बाद पहले 1 साल में हम D2C और मार्केट प्लेस के थ्रू क्लोज टू 2 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू करना चाहते हैं उसके बाद आई थिंक रिटेल इज द पार्ट जहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स तो आपको लगता है 25 से 30 करोड़ का बिजनेस आप सिर्फ D2C मार्केटप्लेसेस के थ्रू बना से बना सकते हैं हम अभी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग कर रहे हैं और उस पे नफा कितना कमा लोगे आप क्लोज टू बिकॉज़ हमारे ग्रॉस मार्जिन MRP पे 70% है MRP पे नहीं नेट पे बताइए अभी कितना मार्जिन है तो नेट पे मार्जिन है 62% तो मेरे को एक चीज बताओ अभी आपने 1 करोड़ रेज किए थे अभी कितने आपके पास पैसे बचे हो अभी हमारे पास क्लोज टू 2.5 से 3 लाख बैंक में है व्हाट 97 लाख खत्म कर दिया 10 लाख का बर्न रेट है तो आपके पास एक हफ्ते का टाइम बचा है नहीं नहीं हमारे पास रिसीवेबल्स भी हैं वो डिले हो गए तो डिले ही चल रहे हैं इसलिए नहीं आए हैं बट आइडियली ऐसा वो इसलिए भी होता है कभी-कभी जब वो नहीं बिकते ना जब माल नहीं बिकता तो रिसीवेबल्स नहीं देते क्योंकि वेट करते हैं कि स्टॉक बिक जाए आ गए बहुत बढ़िया है वेरी गुड नहीं आए तो पहली चीज ये है कि हम बहुत स्मॉल लॉट्स में उनको डिलीवर करते हैं क्योंकि फ्रेशली रोस्टेड कॉफी है बट आप हैंड टू माउथ नहीं चल रहे बहुत ज्यादा फैसिलिटी बिल्डिंग में भी हमारे कुछ पैसे गए सेकंडली हम मंथली 25 लाख कर रहे थे लाइक क्वार्टरली 25 लाख कर रहे थे अब हम 1 करोड़ क्वार्टरली कर रहे हैं आई थिंक हमने लास्ट व्हाट 1 ईयर में ये भी ग्रो किया है ऋषभ नंदिनी मैं उस सिचुएशन में बाय द वे जा चुकी हूँ बहुत बार कि बिल्कुल ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन एंड डाउन टू द वायर 15-16 लाख के रेवेन्यू पे भी मैंने 30 लाख असाइड रखे हुए थे शट डाउन मनी कि लास्ट की जो सैलरीज हैं एंड वेंडर्स को जो पेमेंट्स देना है उनकी कोई गलती नहीं है जो रिस्क लिए हैं मैंने लिए हैं मेरे को फाउंडर ने लिए उन्होंने नहीं लिए तो उनके पैसे अलग रखने चाहिए दैट्स वन सेकेंड इज प्राइस पॉइंट आपका जो है 1.5 times फॉर दीज एंड 2x फॉर दीज वो आपका मार्केट साइज को बहुत छोटा कर देता है टू
ब्रांड जिसके कोई कैफेज नहीं है उसको ऐसा प्रीमियम कमांड करना बहुत मुश्किल होगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्ट्रेटजी में, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक. आई थिंक स्पेशलिटी कॉफी जो 550 रुपए पे बिकती है वो एक बहुत छोटा मार्केट है, बहुत कंपेटिटिव मार्केट है और बाकी प्लेयर्स बहुत वेल फंडेड हैं. ओनली फॉर दैट रीजन आई एम आउट, लेकिन मैं पक्का आपकी कंज्यूमर बनूंगा. थोड़ा आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा, मैं आउट हूं. एक आपका जो ब्लेंड है ना, जो मैंने कहीं नहीं सुना, जैसे आपने बोला विस्की बैरल ब्रांड या ऐसा ब्लेंड है, उस पर डबल डाउन करो. ये प्रोडक्ट अगर हिट हो गया तो बाकी चीजें ऐड करो, अभी इतना मत जाओ. मतलब मेरा बस ये भी है. सबके दिमाग में एक ही सवाल है, आपको खुद को क्यों कन्विक्शन है कि आप जो आपके दूसरे कंपेटिटर्स हैं उनसे आगे निकल जाएंगे? सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन आता है वो आपको आपके कंज्यूमर से आता है. जब लोग मुझे कॉल करके बोलते थे ना लॉकडाउन में, यार नंदी मायसोर कहीं नहीं मिल रही है, प्लीज भेज दे, आई विल पे एक्स्ट्रा फॉर द डिलीवरी. आई रिमेम्बर दैट वॉज माई थिंग. तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि ठीक है, कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन रहेगा. आज है, 5 साल बाद भी कॉफी कंपनी आएगी, 50 साल बाद भी कॉफी कंपनी आएगी, लेकिन मेरी कॉफी 50 साल बाद भी स्टे करेगी, इज व्हाट आई एम गोना डू. तो लोग जो कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर कहते हैं. तो मुझे नहीं लगता आप लोग शट डाउन होंगे. हो सकता है आपका बिजनेस कम हुए, बट यू विल परसिस्ट थ्रू, ऐसा मेरा मानना है. इसलिए मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ. नॉन कॉफी ड्रिंकर इज गिविंग एन ऑफर. मेरा ऑफर ये है कि 60 लाख का आपने निवेश मांगा, 60 लाख में से 30 लाख में निवेश करूंगा इक्विटी में, 30 लाख के अगेंस्ट मैं चाहूंगा कि मैं 2% उसके साथ साथ जो है मैं आपको 30 लाख का डेट देना चाहूंगा. 3 साल का डेट होगा एट 10% इंटरेस्ट रेट. थैंक यू रितेश फॉर योर ऑफर. आई थिंक वी विल हियर हिम आल्सो. सो आई थिंक रितेश हैज गिवन अ वेरी गुड ऑफर, यंगेस्ट बिलियनर ऑफर. तो इसलिए इस वजह से मैं बाहर हूँ. आई थिंक वो आपको अप राउंड भी कर रहे हैं, तो माय ऑफर वुड नॉट हैव मैच. फॉर नाउ आई एम आउट. आई थिंक दिस ऑफर इज बेटर. रितेश, क्या हम डेट का पार्ट रिमूव कर सकते हैं? देखो दोस्त, दिस 30+30, वी शुड क्लोज इट, नहीं तो दोस्ती और प्यार हमेशा रहेगा. इक्विटी का पोर्शन हम बढ़ा सकते हैं और डेट का पोर्शन कम कर सकते हैं. मेरा प्रपोजल है आपसे कि 35 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में एट 15 करोड़ वैल्यूएशन, यानी कि 2.33%, और उसके साथ साथ 25 लाख हम निवेश करेंगे आपकी कंपनी में डेट की तरह, जो कि 10% 10% के पर एनम इंटरेस्ट रेट पे होगा 3 साल की. रितेश डील पक्की. दोस्त आप लोग बाजीगर हो. Thank you. बस मुझे कॉफी ठीक से पीना सिखा देना. पति पत्नी और ओयो. चलिए बेस्ट ऑफ लक गाइस. थैंक यू. थैंक यू.